नासर साहब, आज की मीटिंग जो है ये तो हमने वोटर्स जो नए इंदराज हो रहे हैं उसके बारे में हमने मतलब कि आज मीटिंग बुलाई थी और काफ़ी जो है लोग यहाँ पे मतलब कि आज इस मीटिंग में शमूलियत की, तमाम इलाका जाके लोग जो है वो यहाँ पे आए थे और हमने जो मैसेज पास करना था आज अपने लोगों को हमने मैसेज पास कर दिया। दूसरा जो आपने कहा कि नई पार्टियाँ, तो नई पार्टियाँ ये यहाँ की नई पार्टी नहीं है, ये बहुत पुरानी पार्टियाँ यहाँ पे मतलब कि रूप बदल के मतलब कि यहाँ पे आ रही है। पहले भी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक वो आई पार्टी, वो आम आदमी पार्टी, यहाँ पे बहुत दंगा बचा, हर आदमी बोलने लगा घर घर घर, वो क्या बोलते थे, वो बच्चा बच्चा राज करेगा। तो आज वो दिखाई नहीं देती है, वो बच्चा बच्चा कहाँ है। दूसरी बात, आज यहाँ पे जो कुछ और भी पार्टी यहाँ पे आई है, आपको याद होगा कि 6 महीने या 7 महीने पहले जब यहाँ पे वो लोग जो है इक्कीता चनाब का और पीर पंचाल का दौरा कर रहे थे, तो आपके चैनल पे ही मैंने एक इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा था कि आने वाले इलेक्शन में यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे जो आज़ाद साहब हैं वो अवैसी का रूल अदा करेंगे। आपके पास शायद वो वीडियो अभी भी होगी, आप उसको निकाल के आज भी मतलब कि लोगों के सामने जो है पब्लिश कर सकते हो। देखिए, जहां तक भद्रवाह का सवाल है, भद्रवाह में इस वक्त जो है 2014 से लेके मैं समझता हूं कि उस वक्त से ही यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम जो है वो बिल्कुल दिन दुगनी और रात चुगनी जो है यहां पे कोशिश कर रही है और एक बहुत जबरदस्त जो है यहां पे हमारा एक सेटअप तैयार हुआ है। लोग जो हैं यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं, यानी कि शेख महबूब इकबाल साहब के साथ जुड़े हैं, इनकी आइडियोलॉजी, इनके काम करने का तरीका जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं। पीछे रही ये जो ए बी सी डी ई एफ, ये कोई यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ये आजमाए हुए घोड़े जो हैं ये यहाँ पे आजमा के छोड़े हैं सब लोगों ने, जो यहाँ पे आके आज लोगों को बोलते हैं कि फलां शख्स ने ये किया, फलां शख्स ने ये किया, ये सब भद्रवाह के लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। यहाँ भद्रवाह में जो है बेरोजगारी जो इस वक्त है ये इनकी देन है, जितना भी यहाँ पे ये सिस्टम है हमारे भद्रवाह के, तमाम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था इसको तहस नहस किया गया। हमारा शहर जो है यहाँ पे जो किसी भी इलाका का एक बोन्स माना जाता है उस शहर को तबाह और बर्बाद करके रख दिया गया। यहाँ पे नाच गाना हुआ, यहाँ पे उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कहा जाता है कि तेलीगढ़ यहाँ पे जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तेलीगढ़ यहाँ जो बनाया गया, तो आप जब मुझे बोलिए यहाँ भद्रवाह का कोई बच्चा वहां पे जाता तो उसको वहां पे 20 रुपए टिकट देके सिर्फ उसको देखने का मतलब जो वहां पे चार्ज लिया जाता है, बैठना तो दूर की बात है क्योंकि वहां पे 4,000-5,000 रुपए का कमरा जो है वो वहां पे लिया जाता है। यहाँ भद्रवाह का कोई गरीब आदमी, गरीब क्या अमीर भी वहां पे मतलब रात नहीं काट सकता है। वही हिसाब जो है यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी का हाल है, यूनिवर्सिटी जो कही कि आपको इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे दी, यहाँ पे वही 4 सब्जेक्ट जो है उस वक्त पढ़ाए जाते थे, इस वक्त तक वही मतलब कि सब्जेक्ट है। उसके बाद किश्तवाड़ में बाद में क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी दी गई, वहां पे इस वक्त 13 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। वही हाल हमारे हॉस्पिटल का है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, उसमें जो ठेकेदार जो थे, कोई पता नहीं इनके ठेकेदार थे, माल लपेटा समेटा और उसके बाद चले गए। और आज यहां पे एक डॉक्टर जो है उस डॉक्टर के लिए हमको तरसना पड़ता है, बार बार यहां पे जो है हमारे क्या कहते हैं यहां से डॉक्टरों को उठाया जाता है। यहां पे फिलहाल तो कोई आता ही नहीं है, लेकिन जो आता है उसको भी यहां पे उठाते हैं। एक यहां पे वो डॉक्टर बाबर जो है एनटी हमारे हैं, वो बेचारे बहुत अच्छा काम यहां पे कर रहे हैं, डॉक्टर संदीप हैं। अगर ये 2-3 लोग यहां पे इस अस्पताल में ना हो तो ये अस्पताल नहीं, ये शफाखाना नहीं बल्कि जबाखाना इसको कहा जाएगा। तो यही ऐसी ऐसी जो मिसालें यहां पे हैं, ऐसा ऐसा हिसाब किताब हम भद्रवाह के लोगों के साथ किया गया। यहां के बेरोजगार जो है नौजवान हमारे वो इस वक्त इनके जानों को रो रहे हैं और इस वक्त आप फिर ये लोगों को टाफियां दिखा रहे हैं कि आप आइए जी, आप यहां पे मतलब कि बहुत कुछ किया है। मैं दावे से कहता हूं अगर ये वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों के हमदर्द हैं, वाकई में ये जम्मू कश्मीर के हमदर्द हैं, तो पहली बात ये दफा 370 पे मतलब की बात करें और 35 पे मतलब की बात करें। उसके साथ साथ जो है ये जम्मू कश्मीर के
उन बेरोजगार नौजवान लाचार इंसान जो इस वक्त भाजपा के खिलाफ बोलता है उसको ये पैसे लगाते हैं, उसको ये पकड़ के ले जाते हैं, कोई ना कोई ईडी, उसके बाद सीआईबी और कोई बहुत से रेट लगा के इनको क्या कहते हैं डरा धमका के जो अंदर करते हैं, ये अगर इनको पता है कि ये हो रहा है तो आइए आप जाइए गुप्कार अलायंस के साथ क्या कहते हैं अलायंस कीजिए, फिर पता चलेगा कि आप जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आप आए हो, वरना यहां भद्रवाह का बचा बचा बल्कि जम्मू कश्मीर का बचा बचा जो है वो इस वक्त कहता है कि ये जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है ये बिल्कुल और बिल्कुल जो है मोदी जी को लेके मतलब कि यहां पे आई है। मैंने इनको पहले भी कहा था, आपके चैनल पे भी मैंने कहा था कि ये जो है उधर से डील करके आए हैं स्टेटहुड की, स्टेटहुड इनके कहने पे दी जाएगी और यहां पे वोटों का बंटवारा करके जो है यहां पे मोदी को जिताने जी की वो एक साजिश है। मैं आपको अपने चैनल के आपके चैनल के तहत आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल बावर कराना चाहता हूं कि इलेक्शन जिस वक्त भी हो, इलेक्शन होने के बाद एक महीने के बाद अगर आपको वो लीडर यहां पे दिख गए तो आप मेरे गले में जूतों का हार डाल के पूरे यहां भद्रवाह में क्या कहते हैं चलिए, अगर ये एक महीने के बाद यहां पे कोई भी दिखा। ये सिर्फ और सिर्फ अपना राज्यसभा की सीट, अपनी राज्यसभा की सीट जिंदा करने के लिए, ये दिल्ली तक पहुंचने के लिए यहां पर हम लोगों का बेड़ा गर्क करने के लिए आए हैं, इसके अलावा यहां पे कुछ नहीं है। लिहाजा मैं भद्रवाह के लोगों से जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम से यह कहना चाहता हूं कि आपका फ्यूचर आपका मुस्तकबिल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दीजिए। अगर आपने इस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भला कराना है, लोगों ये जो नौजवान हमारा बेरोजगार तबका है इसको क्या कहते हैं आपको बचाना है तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आके नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करनी पड़ेगी। रहा भद्रवाह का सवाल, भद्रवाह में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा और आपको कोई नहीं दिखता है। ये वही पुरानी शराब है जो नई बोतल में डाल के ये पेश कर रहे हैं, इसके अलावा यहां पे और कुछ नहीं है। जिन लोगों के साथ 10 लोग भी नहीं है वो यहां पे लीडर बन के क्या कहते हैं लोगों को क्या कहते हैं आप गुमराह कर रहे हैं। जिन्होंने कोरोना के जैसे हालात में क्या कहते हैं लोगों की खबर नहीं ली, इतने इतने वाकत यहां पे हमारे हुए तब तक खबर नहीं ली और आज क्या कहते हैं यहां पे आके हमको वो लालीपॉप दिखा रहे हैं। लिहाजा हम यहां पे लालीपॉप चूसने वाले लोगों में से नहीं है, हम यहां पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देंगे और शेख महबूब इकबाल साहब का साथ देंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब का साथ देंगे, उमर अब्दुल्ला का साथ देंगे और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट जो है यहां पे 101% हम यहां से जीत के दिखाएंगे।